हेलो दोस्तों, पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं डिग्लेट केव के अंदर, तो चलो जल्दी से चलते हैं। अरे दोस्तों, हमें आगे जाना क्या है? मुझे तो आगे का रास्ता ही नहीं पता। अरे वो देखो मिट्सी। अरे मिट्सी तो छिंचान की मॉम का नाम है। अरे तुम तो मिस्टी हो ना सुडुम पुडुम जिम से। अबे ओ, मैं सुडुम पुडुम जिम की नहीं, सेरुरियन जिम की लीडर हूँ। अच्छा, क्या हमें आगे जाने का रास्ता बता सकती हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से आगे एक डिग्लेट केव है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। फॉलो मी गाइस। ये है डिग्लेट केव, तुम इसमें आराम से चले जाओ, आगे का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। अरे यार, हम इसकी बात क्यों माने? क्या पता ये हमारा मर्डर कर दे इसके अंदर। हैं हैं, मैं नहीं जा रहा। ए हाँ चलो, इसके अंदर नहीं जाते, कहीं और चले जाते हैं। अरे मुझे लगता है यहाँ से भी एक रास्ता, हम यहाँ से चल लेते हैं। अरे लगता है यहीं से रास्ता है। अरे भाई साहब, हमें आप बता सकते हैं आगे रास्ता है क्या कोई? यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तुम रॉक टनल से जाओ, ये कोई रास्ता वास्ता नहीं है। हम पे चिल्ला रहा है, मुझे पता है यहाँ पे एक रास्ता है। अरे दोस्तों ये क्या, यहाँ पे आके देखो। क्या हुआ वहाँ पे, क्या है? यहाँ पे तो एक स्नोरलैक्स सो रहा है। अरे वाह, ये तो स्नोरलैक्स से पकड़ सकता हूँ क्या मैं? अरे नहीं शिंचा, नहीं, मुझे लगता है ये ऑलरेडी किसी का पोकेमोन है, हम इसे पकड़ नहीं सकते। अरे तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे भाई? अरे अब आगे क्या जाएंगे, जहाँ से आए थे वापस वहीं चलते हैं। हाँ मुझे लगता है वो डिग्लेट केव ही रास्ता था। ए हाँ चलो वापस चलते हैं। ए पोपट, ए पोपट। दोस्तों जल्दी से मुंह छुपा के भाग लो। ए पोपट, ए पोपट, ए पोपट, ए पोपट। चलो दोस्तों चलते हैं जल्दी से। अरे यार ये क्या है, अरे ये कौन सा पोकेमोन है? उई हुई, कितना गंदा दिखता है। ए कितना प्यारा पोकेमोन है, मुझे पकड़ना है, मैं पकड़ूंगा इसको। उरी उरी तो नाचने ही लग गया। ए पोकी बॉल। अरे काश यार पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए। उरी यार पकड़ा ना जाए। अरे ये तो पहली बारी में हमारे साथ चेप हो गया। ए मैं तो कह रहा हूँ इसको अपनी स्क्वाड में भी डाल लो। अरे स्क्वाड में क्यों डाल रहे हैं? उरी यार स्क्वाड में तो मत डाल यार, कम से कम ये निकालो, ऑडिश को निकालो। दोस्तों मुझे लगता है हमें ग्लूम को थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम साइड को स्क्वाड में रख लेते हैं। ठीक है स्क्वाड को रख ले। दोस्तों चलो जल्दी से डिग्लेट केव के अंदर, थोड़े बहुत डिग्लेट पकड़ लेंगे। हट पागल है क्या, डिग्लेट पकड़ लेंगे, निकल यहाँ से। दोस्तों मुझे लगता है कि हमें यहाँ से ना नीचे जाना है। देखो तो साइनीस इडली डोसा। ओए दोस्तों इस केव में बहुत बास आ रही है, चलो जल्दी से भाग के पार कर लेते हैं। हाँ चलो जल्दी से पार कर लेते हैं। अरे दोस्तों देखो सामने सीढ़ियां, मुझे लगता है हमें सीढ़ियों के ऊपर जाना है। वाह भाई, आज से तू बहुत हाई आईक्यू वाली बातें कर रहा है। अंकल जी कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे ये किसका घर है? रुक मैं पूछ के बताता हूँ। भाई साहब आप कौन हो? अरे तुम पक्का डीमन ही होगे। मैं प्रोफेसर ओक का असिस्टेंट हूँ। प्रोफेसर ओक ने मुझे एक काम दिया है कि मैं पिकाचू को एक टेक्निक सिखाऊं। कौन सी टेक्निक? जैसे ही लाइट बंद होगी पिकाचू को अपने अंदर की शक्तियाँ महसूस करनी होगी, ताकि वो इस अंधेरे में उजाला ला सके। पिकाचू अब तुम ये ट्राई करो। ठीक है पिकाचू करके रहेगा। चलो मैं फिर लाइट बंद कर रहा हूँ, पिकाचू तुम्हें करके रहना। पिकाचू अपने अंदर की शक्तियाँ महसूस करो। पिकाचू करो। अरे वाह पिकाचू, तुमने तो उजाला कर दिया। मैंने बोला था ना ये काम करेगा। अरे लेकिन इसका फायदा क्या है? अरे पता नहीं, क्या पता बाद में काम आ जाए, जैसे वो चॉप डाउन टेक्निक काम आई थी। वो लाइट अप टेक्निक सीखने ही आए होगे, पर तुम्हारा पिकाचू तो फुसड़ी है। मेरी ईवी जब नहीं सीख पाई तो तुम्हारा पिकाचू क्या ही सीखेगा? इस रेस में तो मेरी ईवी जीती। अरे यार बड़ा अजीब इंसान है, खुद ही क्वेश्चन पूछता है, खुद ही आंसर देता है और खुद ही रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देता है। पिकाचू इसको चॉप डाउन कर दो। अरे दोस्तों वहां पे देखो एक बहुत बड़ा पोकेमोन है। अरे ये कौन सा पोकेमोन है? ये है फियो, ये काफी ज्यादा तगड़ा पोकेमोन है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिलता डुलता है। पोकेबॉल जाओ, मैं इसको पकड़ के रहूंगा क्योंकि मुझे बनना है दुनिया का बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर। अरे लेकिन ये तो बाहर ही जा रहा है। अरे यार मैं जितनी बार भी पोकेबॉल फेंक रहा हूँ ये तो बाहर ही आ जा रहा है, इस बार तो पकड़ में आ ही जाएगा। ए भाग, पकड़ में आ जा। अरे यार फिर से नहीं आया। अरे इस बार तो आ ही जाएगा। शिनचान भाई मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से बार बार बाहर आ रहा ना। अरे यार फिर बाहर आ गया, फिर से बाहर आ गया भाई, क्या है? अरे इस बार तो भाग गया। अरे कोई बात नहीं। हाँ भाई शिनचान कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ चलो बाद में पकड़ लेंगे। अरे बहन जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहती हूँ तुम मेरी ईवी से लड़ो। ईवी के लिए तो पिकाचू ही काफी है। जाओ पिकाचू।
माइम माइम मिस्टर माइम। अरे भाई ये मिस्टर माइम की तरह है जैसा माल अपने मिस्टर माइम को पता नहीं उसको दौरे पड़ रहे हैं। ये कैसा पोकेमोन है, ये क्या कर रहा है? ए मिस्टर माइम तो मजाक मजाक में उसकी बैंड बजा रहा है। अब तो ना मैंने धोई लगता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पोकेमोन है। माइम माइम अब तो खा रहे दो चांटे। स्विफ्ट स्टार अटैक। अरे यार मेरे सारा मेकअप खराब कर दिया। यार ऐसे क्यों लग रहे हैं हिंदी बोल रहे? अरे यार ये कितना तगड़ा मूव था इसका। ये अबे इतना भी कुछ खास नहीं। अरे यार मुझे तो डर लग रहा है इससे। ये लो गुड़ 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 गुड़। ए यार मिस्टर माइम तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। मिस्टर माइम वापस आओ। जाओ पिकाचू। नमस्ते गुरुजी। साई आए आए। मिस्टर माइम तुम तो वापस आओ यार। कंफ्यूजन अटैक। साई आए आए। साई आए आए। टेल वेब अटैक। ओए सड़क थूक की पिचकारी से खत्म कर इस मछली को। अरे दोस्तों देखो यहाँ पे तो एक क्रैबी है। अरे ये तो काफी बड़ा क्रैबी है, इसको पकड़ लेते हैं। ए हाँ अरे इसका साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है। हमने एक पहले भी देखा था लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था। हाँ इसको पकड़ते हैं। पोकी बॉल जाओ। अरे यार वहाँ कहाँ फेंक रहा है, इसके मुंह पे फेंकना। पोकी बॉल जाओ। दोस्तों मुझे सामने ना एक पोकेमोन सेंटर दिख रहा है, चलो ना वहाँ चलते हैं क्योंकि हमारे पोकेमोन्स काफी देर से लड़ रहे हैं लेकिन उनको अभी तक इलाज नहीं हुआ है। हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। अरे ये भाई सब कौन है? मैं हूँ सड़ेला करेला और मैं तुम्हारी पुंगी बजाने आया हूँ और ये है मेरे दोस्त छोटा सेठ, कचड़ा सेठ और सड़ेला करेला और इस लड़की का नाम पंती है। रुको तुम चारों उस बच्चे को अकेला छोड़ दो। अबे तू कौन है? मैं हूँ यहाँ की रखवाली, नाम है मेरा काम वाली। अरे बहन जी यार हमारे काम के पीछे दखल अंदाजी मत कर रही है प्लीज। एक बकरा मिला है हमें इतनी मुश्किल से, अब ऐसे करते हो यार ये गलत है यार। बच्चे यार हमारे साथ लड़ लो यार प्लीज। तुम्हें लड़ना है क्या? हाँ ठीक है, वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ और वैसे भी इन सड़ेले करेले पंती वंती से डरता वैसे भी नहीं हूँ मैं। ए हो जाए मैच। कौन सा पोकेमोन भेज रहा है तू? मैं भेज रहा हूँ रट्टी काटे को। अरे इसने तो घटिया सा रैटिकेट भेजा है, पिकाचू उसको खत्म कर देगा 2 सेकंड में। दोस्तों पिकाचू ने एक नया मूव सीखा स्लैम अटैक, चलो जल्दी से इस पे यूज करते हैं स्लैम अटैक। अरे स्लैम अटैक ने तो उसकी आधी पावर खा ली। स्लैम अटैक एक और बार। बड़ा है तुमसे जीतने वाला। बहुत बढ़िया बच्चे तुमने बहुत बढ़िया काम करा। हाँ थैंक यू काम वाली बाई। काम वाली बाई नहीं मेरा नाम काम वाली है। तुम लोग सुनो निकलो यहाँ से और कभी यहाँ पे दोबारा दिख मत जाना वरना मैं तुम्हारे टीम रॉकेट को बर्बाद कर दूंगी। ऐसा नहीं होता, हम जा रहे हैं। बच्चे तुम आगे बहुत सक्सेसफुल बनोगे। थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बाई। चलो दोस्तों जल्दी से पोकेमोन सेंटर चल के अपने पोकेमोन्स को ठीक करवा देते हैं। हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। ए नर्स जॉय हमारे पोकेमोन्स को ठीक कर दो। ठीक है बच्चों दे दो। और सब बढ़िया, चाय नाश्ता वास्ता कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं बस आप हमारे पोकेमोन्स को ठीक कर दो। तुम्हारे पोकेमोन बिल्कुल ठीक है, ये लो ले जाओ। थैंक यू, चलो हम जा रहे हैं। अरे ये कौन सी गुफा है? अरे शिनचैन मैंने सुना है ये दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा है, मुझे नहीं लगता हमें इसके अंदर जाना चाहिए। हाँ यार शिनचैन तुझे इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे यार रिस्क है तो भाई मजे हैं भाई, चलो जल्दी से चलते हैं अंदर। अरे यार ये क्या इतना अंधेरा? नहीं यार मुझे डर लग रहा है। तू कह रहा है लोगों जाने इसके बाद क्या हुआ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो ताकि जैसे मैं डालूं आप लोगों को पता चल जाए और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।